आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न, हम लोग पास में इस बार फिर से एक पैटर्न गिवन है, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर, हमको मिसिंग नंबर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ मिसिंग नंबर है, बस इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पैटर्न को समझेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें एग्जैक्टली, फिर हम लोग उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी, चलिए देखते हैं हो क्या रहा है पैटर्न में। तो यहाँ देख पा रहे हैं 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया। तो एक बात तो यहाँ ये दोनों को देख के समझ में आया कि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यहाँ फिर से देख पा रहे हैं 6 से 7 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे आएंगे तो देखेंगे ये 12 से 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गया कि जो भी होगा यहाँ, जो भी होगा उससे हम लोग को एक बढ़ा के आगे लिख देना है, ठीक है, इस और उसका स्क्वायर कर देना है, तो ये आंसर होगा। बट यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 हो गया, यानी 1 और 2 का अगर इंटू करें तो 2 आता है, ठीक है। कुछ ऐसा लॉजिक बैठा के देखते हैं बैठता है कि नहीं। फिर देख रहे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें से एक बढ़ा के लिख देंगे, तो ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 और 4 है, 3 4 को इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, प्लस 1 कर देने पे 13 आएगा, दोनों का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो लॉजिक अब समझ में आ गया है कि ये दोनों इनटू करेंगे तो यहाँ जो आएगा उसमें से एक बढ़ा के आगे लिख देना इक्वल टू में, ठीक है। 4 5 है, यहाँ भरना है, तो 4 5 जा कितना होता है 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ 21 हो गया, देखिए शूट कर गया ना बिल्कुल, 12 प्लस 1 6 प्लस 1 2 प्लस 1, इसी तरह क्या है 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखते हैं 5 है या ब्लैंक है या 30 का स्क्वायर लाना है, तो जैसे बात 5 का टेबल कितने बार पढ़ने पर 30 आएगा, 6 बार, 5 6 30, ठीक है, यानी 6 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 30 है तो आगे हम देख रहे हैं 31 का स्क्वायर है, बिल्कुल सूट कर जा रहा है पैटर्न पर। आगे देखते हैं 6 है 7 है, यहाँ भरना है यहाँ भरना है, ठीक है। 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा एक बढ़ा के लिख देंगे 43। तो ये हम लोग का पूरा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।